आज हम आपको हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक कहानी भोला राम का जीव की एक व्याख्या बताएंगे। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में कई इमारतें तान दी हैं। यह समस्या तो हल हो गई। भोला राम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। उसके जीव को यह दूत यहाँ ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान डाला पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। यह गद्यांश हरिशंकर परसाई की कहानी भोला राम का जीव से लिया गया है। इसमें धर्मराज ने नारद जी से भोला राम के जीव के गायब होने के संबंध में अपनी चिंता प्रकट की है। नारद जी ने जब पूछा कि क्या नरक में आवास समस्या हल नहीं हुई, इस पर धर्मराज ने कहा कि नरक में कई गुणी कारीगर, ठेकेदार, इंजीनियर आदि आ गए हैं। उन्होंने यहाँ पर बहुत जल्दी कई इमारतें खड़ी कर दी हैं, इसलिए नरक लोक में आवास की समस्या हल हो गई है। अब मेरे सामने एक दूसरी समस्या है। भोला राम नाम के एक आदमी की मृत्यु 5 दिन पहले हो गई थी। उसके जीव को लेकर मेरे दूत यहाँ आ रहे थे, परंतु रास्ते में वे है मेरे सभी दूतों को चकमा देकर भाग गया और कहीं गायब हो गया। भोला राम के जीव की खोज में हमने सभी लोगों को, सारे ब्रह्मांड को छान डाला, हर तरफ उसकी खोज की, परंतु वह कहीं नहीं मिला। इस प्रकार भोला राम का जीव गायब होने से अव्यवस्था फैल गई। मृत्यु के बाद पुण्य आत्मा स्वर्ग में और साधारण जन नरक में आते हैं। पाप पुण्य का यही भेद सदा से चला आ रहा है और धर्मराज होने के नाते मैं इस व्यवस्था का पालन कराता रहता हूँ। परंतु भोला राम का जीव नरक लोक में नहीं आया तो प्रचलित नियम टूट जाएगा और सृष्टि में पाप पुण्य का भेद भी नहीं रह जाएगा। इस अवतरण में विशेष बात यह है कि लोगों की धार्मिक आस्था एवं अंधविश्वास पर व्यंग किया गया है। भाषा सरल एवं भावानुकूल है।